जम्मू कश्मीर को रौंदा जा रहा है, पांव तले रौंदा जा रहा है। पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर बीइंग ट्रैम्पल्ड अंडर द फीट बाय द बीजेपी, करप्ट बीजेपी लीडर्स, एंड देयर इज नन टू स्पीक अगेंस्ट इट। हम बोलेंगे, आपकी ना तो ईडी यहां चलेगी ना सीबीआई चलेगी, आपको जवाब देना होगा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला बनाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसी की विरोध में आज यहां धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारी स्टेट हमसे छीन ली गई, जमहूरियत से हम लोगों को महरूम कर दिया गया है, और अभी देखने में ये आ रहा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली को भी, फिल्म स्टूडियो को, ऐसा लगता है कि फिल्म कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया गया है। यानी जमहूरियत के साथ एक बद्दा मजाक जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हो रहा है, शायद हिंदुस्तान में आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला होगा। असेंबली को आपने फिल्म स्टूडियो बना दिया, नाच गाने वालों के हवाले कर दिया है। बीजेपी के लोग कुछ और लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल करते थे, नाच गाने वालों के लिए वो मुजरा कहते थे, हम वो नहीं करेंगे, वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन नाच गाने वालों के हवाले आपने असेंबली को कर दिया। असेंबली को, जिसको जमहूरियत का मंदिर कहा जाता है, सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैव बीन कन्वर्टेड इन फिल्म स्टूडियोज इन जम्मू एंड कश्मीर, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपने क्रैश बना दिया, जहां अफसरों के बच्चों का खेलने कूदने के लिए आपने वो सारा कॉम्प्लेक्स जो है वो दे दिया था। आप जैसे आप जानते हैं, तमाम मीडिया जानता है, वो पहले ही दे दिया था। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आपने लोगों के लिए पार्टीज बनाई है, अगर आपने संविधान को बचाने के लिए पार्टियां बनाई हैं, कानून को बचाने के लिए पार्टी बनाई हैं, आपको आगे निकलना होगा, बाहर निकलना होगा। और जिस तरीके से प्रयोगशाला के तौर पर जम्मू कश्मीर को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। भ्रष्टाचार का अड्डा जम्मू कश्मीर बना हुआ है, बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का अड्डा जम्मू कश्मीर बना हुआ है, बेरोजगारी में पहले पायदान पर पहुंच चुका है जम्मू कश्मीर, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना तमाम सियासी पार्टियां हैं, जो सियासी ग्रुप हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। जम्मू कश्मीर को रौंदा जा रहा है, पांव तले रौंदा जा रहा है। पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर बीइंग ट्रैम्पल्ड अंडर द फीट बाय द बीजेपी, करप्ट बीजेपी लीडर्स, एंड देयर इज नन टू स्पीक अगेंस्ट इट। हम बोलेंगे, आपकी ना तो ईडी यहां चलेगी ना सीबीआई चलेगी, आपको जवाब देना होगा। आप लोगों को डराना बंद कर दीजिए ईडी सीबीआई के नाम पे, और जिस तरीके से आपने एक माहौल बनाया हुआ है यहां गुंडागर्दी का, जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को निचोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगी पैंथर्स पार्टी, और आपको जवाब दे बनाएगी। ये मैं नरेंद्र मोदी जी आपसे और अमित शाह जी आपसे कहना चाहता हूं, आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मनोज सिन्हा जी, तो वो उसका तो खुलासा पार्लियामेंट में हो गया है, मैं उनका जवाब तथ्यों के आधार पर दूंगा। 2019 5 अगस्त से लेकर 26 जुलाई 2023 तक पार्लियामेंट में जो जवाब सरकार ने खुद दिया है, वो कहा है 29,000 लोग इन 4 सालों में लगे हैं। आपके पास पूरी सरकार है मनोज सिन्हा जी, 29,000 4 सालों में। मैंने अकेले ने, जब मैं मिनिस्टर था एजुकेशन का, कि पूरी सरकार में 40 महकमों में जितने लगे होंगे, उससे ज़्यादा अकेले मैंने एक महकमे में लगाए हैं, और पारदर्शिता से लगाए, जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में गई। आप कौन सी बात कर रहे हैं?